स्किजोफ्रेनिया में हेल्यूसिनेशंस और डेल्यूजन्स कैसे होते उसके बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो मैंने तैयार किया है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ बिना रिश्तेदार पेशेंट को लाते भर्ती करते, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं। मनोरुग्णों को ठीक करना, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। स्किजोफ्रेनिया के पेशेंट जो आते हैं हमारे तरफ, तो उनको पंचेंद्रिय के हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। पांचों इंद्रिय के मतलब आँखों के हेल्यूसिनेशंस है। कुछ भी नहीं है तभी उसको दिखता है कि कुछ ना कुछ लोग आ रहे, उसको दिखते हैं लोग आ रहे, मार रहे, मारेंगे, ऐसा ऐसा उसको दिखता है। हेल्यूसिनेशन, विजुअल हेल्यूसिनेशन होते हैं। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशन मतलब टच के, कि जिसको उसमें लगता है कि नहीं स्पर्श है, उसको बहुत ठंडा लगता है, उसको लगता है कि अपने इसमें बहुत गर्म लग रहा है चमड़ी को, या चमड़ी के नीचे कीड़े चल रहे हैं, या उसको बुरी बुरी बांस आते रहती है, बहुत बुरी बांस आती है, कुछ भी नहीं है तभी भी, तो उसके नाक के है मतलब ऑल्फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन होते हैं। उसको कभी कभी जीवा के मतलब टेस्ट के होते हैं कि मेरे अनाज में पॉइजनिंग किया जा रहा है, मेरी टेस्ट जो है वो मेटेलिक टेस्ट है, या ऐसा कुछ भी अजीब टेस्ट लग रही है और उसमें मुझे पॉइजनिंग किया जा सकता है, इसलिए वो भी है। या फिर उसको कान के आते हेल्यूसिनेशन, कान में मतलब आवाज़ आती रहती है, कोई नहीं है उसके बावजूद भी उसको कान में आवाज़ आती रहती है। तो ये कान, आँखें, चमड़ी, नाक और जबान, ये जो पांच इंद्रिय है, यहाँ से उसको कुछ नहीं होने के बावजूद भी लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है पंचेंद्रियों से। कभी कभी इल्यूजन्स होते हैं, मतलब जो सोर्स है वहाँ से कुछ तो भी ऐसा सोर्स है, वहाँ से कुछ तो भी स्टिमुलस मिल रहा है और उसका इंटरप्रिटेशन वो गलत करते रहता है, तो इल्यूजन भी होता है। इसके साथ साथ उनको डेल्यूजन है। डेल्यूजन मतलब फॉल्स विश्वास, मतलब जो सही नहीं है, जिसको कोई बेस नहीं है, ऐसा व्यक्तिगत उसका विश्वास कि इसके ऊपर वो विश्वास करता है कि ऐसा ही है, उसको उसके लिए पुरावा देने के लिए उसके पास में कुछ नहीं है। भाई ऐसा क्यों लगता है, तू ऐसा क्यों सोचता है, तो उसको पुरावा दे सकता नहीं, मगर उसका व्यक्तिगत विश्वास है कि ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, उसको लगता है कि कुछ लोग, एक तिहाई लोग जो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, उनको लगता है कि लोग अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अपने खिलाफ कुछ तो भी प्लान बना रहे हैं, अपने को मारने को आने वाले हैं, मारेंगे, अपने खिलाफ कुछ तो भी साजिश हो रही है, प्लॉटिंग कर रहे, अपने बारे में बातचीत कर रहे, उनको उनकी आवाज़ भी कभी कभी सुनाई आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। या फिर पत्नी के खिलाफ या पति के खिलाफ आता है कि नहीं इसके संबंध कुछ तो भी बाहर है, ये किसको तो भी इशारा कर रही है, किसके साथ में सोती है, किसके साथ में घूमने को चले जाती है, मैं रात को सोता हूँ तो। अभी मेरे पास में एक पेशेंट है, उसने अपने पत्नी को रोज़ वो लॉक करके ऑफिस में जाता है, रात को भी लॉक करके उसको मतलब सोता है कि वो इसको लॉक करके, क्योंकि ये बाहर जाएंगे कहीं कुछ कर लेंगे, उसको पूरा पक्का विश्वास है कि ये बाहर ही है, हालांकि घर के लोग बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे डेल्यूजन्स उसको होते हैं। कभी कभी अजीब डेल्यूजन्स है कि भाई जो उसके पड़ोसी है वो मैग्नेटिक वेव से उसको कंट्रोल कर रहे हैं पड़ोसी लोग, या उसको लगता है कि टेलीविज़न में उसके बारे में बातचीत हो रही है, उसके बारे में सब कुछ टेलीविज़न में बोला जा रहा है, या रेडियो के ऊपर भी उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं, या टेलीविज़न पे भी इसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में न्यूज़ दिए जा रही है, या उसको लगता है कि अपने विचार जो है वो बाहर से कोई व्यक्ति खींच लेता है और अभी वो ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी विचार नहीं है क्योंकि मेरे विचार ही खींच लिए किसने तभी, ऐसा उसको लगता है, या उसको लगता है कि कोई विचार अंदर डाल रहा है अपने दिमाग में। तो ऐसे अलग 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 उसके फॉल्स बिलीफ होते कि ऐसा ही है, ये डेल्यूजन्स होते हैं, मतलब पक्के विचार। और कभी कभी फिर ये विचारों से वो क्या बोलता है हमको समझ में नहीं आता, उसको लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, मतलब एक सेंटेंस बोला फिर दूसरा सेंटेंस वो कुछ भी बोल देंगे जिसका पहले सेंटेंस से कुछ संबंध भी नहीं है। तो ऐसे बोलने में भी असंबद्धता आती है, डेल्यूजन्स है, हेल्यूसिनेशन है। और यह डेल्यूजन्स हेल्यूसिनेशन जो है वो यंग लोगों को बहुत कम रहते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है और बीमारी आती है वैसे वैसे ज़्यादा बढ़ना चालू होते हैं हेल्यूसिनेशन डेल्यूजन्स। ये पैरानॉइड डेल्यूजन्स जो है मतलब शक ज़्यादा होना, ये 40-42 में जिनको बीमारी होती है उनको ये ज़्यादा होते रहते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे है कि अभी वो उसको हैबिचुअल हो गए, मतलब उनको इलाज किया अभी हैबिचुअल हो गए, बोले ठीक है अब लोग बात कर रहे करने तो मेरे को आवाज़ आते हैं, आनों में भी ख्याल देता नहीं है, ऐसे उनकी मतलब इतनी हैबिट उनको हो चुकी है कि वो ख्याल भी देते नहीं है। मगर फिर होता क्या है कि धीरे धीरे हेल्यूसिनेशन डेल्यूजन से वो लोगों से अलग होना शुरू हो जाते हैं, उनको डर लगता है, कन्फ्यूज होते हैं, है ना, उनको समझता नहीं है, अकेला डर के मारे वो अकेले रहना शुरू कर देते हैं,
काम पे जाते नहीं है, धंधे पे जाते नहीं है, धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन नीचे नीचे उतरती जाती है, झगड़े होते हैं, लोग उनके साथ में बातचीत नहीं बराबर कर सकते, कभी कभी हिंसा हो जाती है, आक्रमण कर लेते किसके ऊपर, और फिर उनको घर में संभालना कठिन हो जाता है। घर के लोग भी फिर ऐसे हो जाते हैं कि अभी इनको संभालना कैसे भाई। तो इनका इलाज जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ऐसे कोई भी व्यक्तिगत आपको मालूम है लोग, तो उनको जरूर वीडियो शेयर करो। लोग ये बाहर का है, बाहर का कुछ तो भी किया हुआ है, इसलिए पानी देना, मस्जिद पे ले जाना, दरगाह पे ले जाना, मंदिर में ले जाना, चर्च में ले जाना, ऐसा कुछ करते रहते, कोई बाबा के पास में ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका इलाज होना जरूरी है। अभी ये पूरा क्लियर कट अभी सामने आ रहा है वैज्ञानिकों से, मतलब जो रिसर्च हुआ है इससे, कि भाई ब्रेन का ही प्रॉब्लम है ये। ब्रेन में केमिकल लोचा होता है, डोपामिन लेवल्स काफ़ी बढ़ जाती है, या डोपामिन रिसेप्टर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये डोपामिन का लोचा जो है, हायर लेवल, हायर सेंसिटिविटी ऑफ डोपामिन, इससे स्किज़ोफ्रेनिया होता है मालूम पड़ा है। तो उनको ट्रीटमेंट लेना, दवाई देना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ फिर हम फैमिली थेरेपी कर सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी कर सकते हैं, तो वो और जल्दी अच्छा हो सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।